ओम शांति। आज 14/9/2022 की वाणी है। आज बाबा दे महावाक्या ने बाबा आखदे ने मिठे बच्चे, ये रावण दी शोक वाटिका है जिस विच सब दुखी है। हुण तुसी रावण नू भजा रहे हो, फिर जय जयकार हो जावेगी, सब आ शोक वाटिका विच चले जाणगे। अज बाबा ने अपने बच्चों नू प्रश्न पूछया, प्रजा विच भी ऊंच पदवी किस आधार ते प्राप्त हो सकती है, उसका मिसाल केड़ा है। अज बाबा का उत्तर है, प्रजा विच ऊंच पद पाउण दे लई जो भी चावल मुठी थोड़े कोल है, वह सब सुधामे मिसल बाप हवाले करो। विखांदे है ना, सुधामे ने चावल मुठी दिती ता महल मिल गए, बाकी रजाई पद दे लई ता चंगी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। गीत है, आखिर ओ दिन आया आज। ओम शांति। परम पिता परमात्मा नू खवैया भी कहिंदे है, खवैया बोटमैन नू कहा जाता है, जो बोट माना नाव विच बिठाए उस पार ले जावे, ता बाप खवैया है उस पार ले जाण वाला। झूठ खंड विच है झूठी कमाई, सच खंड दे लई तां ए सच्ची कमाई है, ओ है झूठी कमाई। हुण भारत पातित है, भारत भी किन्ना वड्डा है, दुनिया भी किन्नी वड्डी है, बच्चियां दी बुद्धि विच रहिंदा है, पुरानी दुनिया विच पुराना भारत है। कल दा भारत अते कल दी दुनिया की होवेगी, तुसी जानदे हो हुण किन्ने मनुख है, किन्ने खंड है। कल जरूर भारत ही होवेगा, दैवी राज होवेगा, सोने दी द्वारिका होवेगी, गोया भारत विच कृष्णपुरी होवेगी, लंका नहीं होवेगी, सारी लंका सोने दी नहीं बनती है, भारत सोने दा बन जाता है, लंका मतलब रावण राज खत्म हो जाता है, भारत द्वारका बन जाता है जिसनों कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका हुंदी है भारत विच, भारत सोने दा हो जाता है, द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं जमुना नदी दे दिल्ली परिस्थान सी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जिथे रहिंदे सी। द्वारका विच फिर दूजी राजधानी हुंदी है, द्वारिका विच जदों राज हुंदा है उदो लक्ष्मी नारायण नहीं हुंदे, उत्थे फिर दूजे दा राज हुंदा है, कैपिटल जमुना दा किनारा है, उत्थे फिर दूजी रजाई नहीं हुंदी है। हुण तुसी जानदे हो ये सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है ये सब स्वाहा हो जाता है। इस ज्ञान यज्ञ विच ये वड्डा बेहद दा यज्ञ होया ना, इना विच पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है, ये बच्चियां दी दिल विच रहना चाहिदा है। ये रावण दी किन्नी वड्डी दुनिया है, राम दी एनी वड्डी थोड़ी होवेगी, उत्थे ता भारत ही स्वर्ग होवेगा, दूजा खंड दा नाम निशान है। कल नई दुनिया बनेगी, दूसी ब्राह्मण डोनेस्टी ही देवी डोनेस्टी बनेगी, ये ब्राह्मण ही पढ़ के नंबर वार डोनेस्टी बन गए, वो शूदर डोनेस्टी है, आखिर बाप नू आंदा ही आना ही पैंदा है, ये दुनिया नहीं जानती है। बाप नू प्रश्नावली दे पोस्टर बहुत चंगे बनवाए है जिस तो मनुख नू बाप दा परिचय मिल जावे, पर समुख समझाण दे बगैर कोई समझ नहीं सकणगे, तुहानू ही बाप कहिंदे है, हीयर नो ईवल सी नो ईवल। इवें खिडौना बंदर दा बनाया है, तुसी भी बंदर मिसल सी, हुण तुहाडी सूरत बदली है, जिन्हां विच पंज विकार है उन्हां नू ही कहांगे बंदर। जिवें नारद दी सूरत विखाई है, उसने कहा कि
ਅਸੀਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਰਪਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰ ਸਕਦੇ? ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੜਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਭਗਤੀਆਂ ਸੀਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਹੇ ਰਾਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਣਵਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਪਾਤਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੇ ਹੈ? ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਡਬਲ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਰਤਨ ਜੜਿਤ ਵੀ ਤਾਜ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰੋਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀ। ਸਤਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ 84 ਜਨਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਪਤਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਪ ਬੈਠ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ 5000 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਲੈਣ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਧਾ ਕਲਪ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਧਾ ਕਲਪ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ 5000 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਲੌਕਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪ। ਇਹ ਦੋ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ। ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਪਰ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲਓ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਪਾਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ? ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਸਾਕਾਰ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋ, ਸੈਨਾ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਪਾਵਨ ਬਣ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋ।
फिर ये रावण राज खत्म हो जाएगा। हुण तुसी अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इना दे मालिक बनगे। लक्ष्मी नारायण नू राज किसने दिता? असी कहांगे इना नू राज देने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, जो हुण दे रहे है। शिव बाबा कहंदे है, आगे भी असी तुहानू राज दिता सी, हुण फिर सिखा रहे हाँ। ये सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुसी उत्थे सोने हीरियां दे महल बनाणगे, राज करोगे। थाड़ी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। सो असी लक्ष्मी नारायण बन रहे हाँ। ये है ऊंच ते ऊंच पदवी। इन्हां नू किसने पढ़ाया? जरूर ऊंच ते ऊंच बाप ने ही पढ़ाया है। हुण फिर तो राजयोग सिखदे है, जो फिर भविख विच ए पदवी पाणगे तत्तम। इन्हां विच सब धर्म खत्म हो जाणगे। ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा प्राणी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करनगे। ये समझण दीआं गल्लां हन। थोड़ी जो जीवन है इन्हां नू अमुल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा थानू ये लॉटरी मिलती है। रेस विच जो पहले नंबर आते हैं उन्हां नू वड्डा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर विच है। इन्हां दी दौड़ी थोड़े तो ज़्यादा है। पहले नंबर विच है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इन्हां नू योग बल दी दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सतयुग विच पहला लक्ष्मी फिर नारायण कहणगे। इत्थे ता सरस्वती ब्रह्मा दी बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहांगे। पहले ब्रह्मा फिर उना दी बेटी सरस्वती, जगत पिता अते जगत माता कहांगे। ए इस्त्री पुरुष ता हो ना सकन। फिर जद सतयुग विच जाणगे ता नाम बदल जावेगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, इत्थे पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती है, क्योंकि बेटी है ना। तुसी हुण तुसी जानते हो असी मनुख तो देवता बनते हाँ। जिन्ना ज़्यादा पुरुषार्थ करनगे उन्ना ऊंच पदवी मिलेगी। तुसी जिमें बेकर टू प्रिंस बन रहे हो, चंगी तरह पढ़ाई पढ़नगे तार राजा बनोगे। चंगी तरह नहीं पढ़नगे, पवित्र नहीं रहनगे तो रजाई भी नहीं पाणगे। शिव बाबा तो रजाई का वरसा देंदे है। जे कोई रजाई नहीं लेंदे हैं, पवित्र नहीं बनते हैं, तो प्रजा विच चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा विच भी नंबरवार है। कोई पूछता है प्रजा विच असी ऊंच पदवी किवें पाईए? फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामे का। चावल मुठ्ठी दिती तो महल मिल गए। इत्थे जो चावल मुठ्ठी देंदे है तो 21 जन्म लई महल मिल जाते हैं। ये है इंश्योरेंस। हर एक अपने नू इंश्योर करता है भगवान दे कोल। ईश्वर अर्थ गरीबां नू दिंदा है। कोई अन्न दिंदा है, कोई धन दिंदा है, कोई फिर मकान बना के दिंदा है। धर्माऊ जरूर कुछ ना कुछ कढ़दे रहिंदे है, क्योंकि पाप बहुत करदे है, इसलिए दान पुन्य करदे है। तां गोया इंश्योर कीता ना, दान पुन्य अनुसार दूजे जन्म विच चंगे घर विच जन्म मिलदा है। समझो किसी ने हस्पताल बनाया होगा तो दूजे जन्म विच रोगी घट होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूजे जन्म विच उन्हां दा फल मिलेगा, पढ़ेगा बहुत चंगा। ओ होया इन डायरैक्ट दान पुन्य करना। हुण तां बाप डायरैक्ट कहिंदे है कि जिन्ना इंश्योर करोगे 21 जन्म दे लई तुहानू भविख विच मिलेगा। फिर जिन्ना करो, बाप तां दाता है। शिव बाबा तुहाडा की करेगा? वह तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मनुख दान गरीबों करते हैं तो ईश्वर द्वारा उन्होंने फल मिलता है। इतने भी शिव बाबा कहते हैं तुसी मुठ्ठी देंदे हो तो नई दुनिया विच तुहानू 21 जन्म लई फल मिलेगा। भावें सूर्यवंशी रजाई, भावें चंद्रवंशी रजाई लो, भावें साहूकार प्रजा बनो, भावें गरीब प्रजा बनो, श्रीमत थानू मिलती रहती है, जिस तों तुसी श्रेष्ठ राजा राणी बनोगे जा तां प्रजा। सो तां साक्षी होके वेखदे रहिंदे हो। बाप कहिंदे है थोनू जो भावे सो लो। इन्हां नू इंश्योर मैगनेट कहा जाता है। यह है गुप्त। हुण तुसी जानते हो बाबा समुख आया होया है, सानू 21 जन्मों का वरसा दिंदे है। जिन्ना इंश्योरेंस करेंगे
बाबा कहिंदे है साढ़े बन के बनोगे तो थोड़ा हक है रजाई लेना। बाप तां किवें दिंदे ही रहिंदे है, थोड़ी तां गरंटी सी ना बाबा तुसी आओगे तां असी थोड़े बन जावांगे, मेरा तां एक तुसी ही हो। हुण बाप दे कोल जांदे है, बाबा फिर स्वर्ग विच भेज देणगे। बाबा रोज़ रोज़ सुनांदे रहिंदे है, सुनांदे सुनांदे किन्ने वरे हो गए, हुण बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा दा लौंग बूट है ना, बाबा ने पुरानी जुत्ती विच प्रवेश किया है। कहिंदे है बच्चियां नूं सृष्टि दे आदि मध्य अंत दा समाचार सुनांदा हाँ। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर हाँ, सुख करता दुख हरता हाँ। जिन्ना तुसी बाप नूं याद करदे जाओगे तां पाप कटदे जाणगे। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नूं नमस्ते। हम रूहानी बच्चियां दी रूहानी बाप दादा नूं याद प्यार नमस्ते जी। धारना लई मुखसार नंबर एक पर रजाई पदवी लैण दे लई पूरा श्रीमत ते चलना है। किसी भी चीज़ विच ममत्तव नहीं रखना है। मेरे ता एक बाबा दूजा ना कोई, यही पाठ पक्का करना है। नंबर दूजा हीयर नो ईवल सी नो ईवल टॉक नो ईवल। बाप ते दे इस डायरेक्शन ते चल मंदिर लायक बनना है। वरदान है अज दा कंट्रोलिंग पावर द्वारा सब सब नूं कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगवाण वाले हमेशा समर्थ आत्मा भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व नूं कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगवाण वाले हमेशा समर्थ आत्मा भव। अज बाबा आखदे ने बिंदु स्वरूप बाप अते बिंदु स्वरूप आत्मा दोनां दी समृति फुल स्टॉप माना बिंदु लगाण विच समर्थ बना दिंदी है। समर्थ आत्मा दे कोल स्व दे उपर कंट्रोल करन दी कंट्रोलिंग पावर हुंदी है। वह दूजियां नूं कंट्रोल नहीं करदे पर खुद दे कंट्रोल रख पवित्र परिवर्तन शक्ति नूं काम विच लगांदे है। उहनां विच रोंग नूं राइट करन दी शक्ति हुंदी है। वह कदी भी इवें नहीं कहणगे कि मैनूं ही मरना है, मैनूं ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझदी है कि ये मरना नहीं पर स्वर्ग विच स्वराज लेना है। स्लोगन अज दा बाप नूं प्रत्यक्ष करन दे निमित ओही बन सकदे हन जिन्हां दा हर संकल्प विच दृढ़ता दी विशेषता है। बाप नूं प्रत्यक्ष करन दे निमित ओही बन सकदे हन जिन्हां दे हर संकल्प विच दृढ़ता दी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।